मोदी की गारंटी उसके साथ है जिसके पास गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं है। लो जी, सही सुना है आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी 10 मिनट पहले ही बहुत ही बड़ी योजना को लॉन्च किया है। 4 बड़ी योजना लेके आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 24 मार्च की होली है और आपको मैं बताऊं, होली का तोहफा आपको दिया गया है। जी हाँ, आपको मैं लगातार अपडेट कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार यानी कि केंद्र सरकार लगातार गरीबों के हक में बड़े बड़े फैसले ले रही है। बहुत से ऐसे फैसले हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से आपको फ़ायदा पहुंचाया गया है। चाहे आप गरीब परिवार से हैं, चाहे मिडिल क्लास परिवार से हैं, चाहे आपके पास BPL का राशन कार्ड है, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप एक मजदूर हैं, वही महिलाओं को भी तोहफा दिया गया है। वही बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि भाई मोदी सरकार के इस बार ऐलान से सभी छात्रों में हड़कंप मचा हुआ है। अगर आप एक बोर्ड के छात्र हैं तो भी इस वीडियो को देख लें, क्योंकि भाई अब होली का तोहफा आपको दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे, जी हाँ, आज होली और होली का जो पावन त्यौहार है उसके इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे महिलाओं की, स्मार्टफोन अब वितरित किए जाएंगे। जी हाँ, लगातार अपडेट किया गया था सभी महिलाओं को, जो महिलाएं गरीब परिवार से हैं यानी कि BPL का राशन कार्ड जिन महिलाओं का बना हुआ है, उन महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे ताकि वे भी देश दुनिया से जुड़ सके। आप सभी को बता दूं, लगातार BPL के ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया था जिन परिवारों में स्मार्टफोन है ही नहीं। बहुत से ऐसे परिवार पाए गए हैं जिनके परिवारों में स्मार्टफोन नहीं है, ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया है। तकरीबन हम बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा ऐसे परिवार पाए गए हैं जिन परिवारों में स्मार्टफोन नहीं है। ऐसे परिवारों को होली पर कैंप लगा करके जो स्मार्टफोन है ये बांटने की प्रक्रिया को अमल में लाया जाएगा। पहले ग्रामीण इलाकों में स्मार्टफोन बांटे जाएंगे, उसके बाद शहरी इलाकों में बांटे जाएंगे। आपको मैं बता दूँ, 1 BPL राशन कार्ड पर 1 स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो ये जो लिस्ट है ये शाम तक मैं आपको दिखा दूंगा किन किन का नाम इसमें आया है। बहुत से ऐसे गरीब परिवार है जिनका नाम आया हुआ है, बहुत से ऐसे परिवार है जिनका नाम अभी भी इसमें नहीं आया हुआ है। और भाई जो दूसरी लिस्ट आएगी उसमें आपका परिवार का नाम भी या फिर आपका नाम भी आ सकता है। तो आपको जैसे ही लिस्ट आएगी सबसे पहले मैं दिखा दूंगा। और 24 मार्च को कैंप लगा करके जो स्मार्टफोन है ये बांटे जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, दिहाड़ी मजदूरी करने वालों को अब बहुत बड़ा तोहफा दिया जा रहा है 24 मार्च होली को। जी हाँ, आपको मैं बताऊं, अब जिनके पास भी लेबर कार्ड बना हुआ है, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर के दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ ही उसे खा भी लेते हैं, तो ऐसे परिवारों के अगर बैंक अकाउंट खुले हुए हैं, ई श्रम कार्ड या फिर लेबर कार्ड जिनका बना हुआ है, उनके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपये होली के जो तोहफा जो है वो दिया जा रहा है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो आज से ही पहुंचाने शुरू कर दिए गए हैं और 25 मार्च तक दिए जाएंगे। होली और धुलंडी पर भी आपके बैंक अकाउंटों में जो DBT के माध्यम से जो पूरा पैसा है ये डाला जाएगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि गरीब परिवारों को होली का तोहफा दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, जी हाँ, जिनके पास BPL का राशन कार्ड बना हुआ है, यानी कि गरीब परिवार से हैं और उनके परिवार में बुजुर्ग हैं, यानी कि माता पिता अगर बुजुर्ग हैं और BPL का राशन कार्ड भी उनका बना हुआ है, तो अब 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी हर महीने। जी हाँ, मोदी सरकार ने ऐलान करते हुए कहा है कि 3,000 रुपये पेंशन अब दी जाएगी और होली पर जो पेंशन है वो डाल दी जाएगी। इस महीने की जो पेंशन नहीं आई थी, बहुत से ऐसे बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग पिता, यानी कि दोनों माता पिता अगर आपके परिवार में बुजुर्ग हैं, उनकी अगर पेंशन नहीं आई थी, तो होली वाले दिन पेंशन जो है वो जारी कर दी जाएगी। ये भी बड़ा फैसला लिया गया है। और भाई BPL के राशन कार्ड पर राशन अगर नहीं दिया जा रहा था, इस परिवार किसी भी परिवार को अगर राशन इस महीने अभी तक नहीं मिला था, तो ये राशन आपको आज कल यानी कि 3 दिन तक राशन बांटने की प्रक्रिया को अमल में लाया जा रहा है। और बेसन, सूखे दूध के पैकेट, वह आपको मक्का या फिर
चने की जो दाल है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। ये 3 से 4 राशन नए जो राशन हैं ये आपको दिए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके परिवारों में अभी भी यानी कि मार्च पूरा बीतने को है और राशन नहीं मिल पाया था, अब राशन आपको दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, ये भी बड़ी ही महत्वपूर्ण है किसानों के लिए। किसान सम्मान निधि की जो 17वीं किस्त है वो भी जारी होगी। वो किसानों का जो कर्जा है वो भी माफ़ करने की योजना मोदी लेके आया है। जी हाँ, मोदी सरकार किसानों का कर्जा माफ़ के लिए भी एक योजना लेके आया है। लेकिन आपको मैं बता दूं, इस बार अगर मोदी सरकार हैट्रिक लगाती है, यानी कि तीसरी बार अगर एक बार फिर से केंद्र में सत्ता हासिल करने में कामयाब हो जाती है मोदी सरकार, तो भाई आपका जो किसान अगर आप हैं, आपका जो कर्जा है वो पहले ही कैबिनेट में माफ़ करने का ऐलान कर दिया गया है। यानी कि जो मैनिफेस्टो है उसमें बहुत बड़ा ऐलान करते हुए मोदी सरकार ने कहा है कि अगर किसानों का जितना भी कर्जा है वो हम माफ़ कर देंगे पहले ही कैबिनेट में। वहीं हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, जो अभी अभी 10 मिनट पहले ही राहुल गांधी की तरफ से ऐलान किया गया है, अगर जी हां कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो प्रत्येक महिला को हर महीने 8,300 रुपये बिल्कुल मुफ्त में दिए जाएंगे। और ये जो 8,300 रुपये ये हर माह मिलेंगे, और पूरे वर्ष की बात करें तो 1,00,000 रुपए की जो राशि है वो बिल्कुल फ्री मिलेगी, और आपको वापस भी नहीं भर रहे हैं। प्रत्येक महिला को 1,00,000 रुपए, अगर आपके परिवार में 3 महिला है तो 3,00,000 रुपए तक का आपको लाभ मिलेगा। तो ये तो भाई देखने वाली बात रहेगी कब सरकार आएगी, कब आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल मोदी सरकार आपकी जो झोली है वो खुशियों से भर रही है, और होली पर आपको भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाओं से जोड़ रही है। LPG का भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर फ्री में सिलेंडर बांटा जा रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व और भी काफ़ी सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आप अगर अभी अपने LPG गैस सिलेंडर को रिफ़िल करवाते हैं तो उसके बाद पूरा पैसा, जी हाँ जितने भी आपका गैस सिलेंडर भरा जाएगा उसका पूरा पैसा आपके बैंक अकाउंटों में भेज दिया जाएगा अभी 31 मार्च से पहले पहले ही। तो आप अगर महिला हैं और उज्ज्वला योजना के तहत आपने अपना LPG गैस सिलेंडर ले रखा है तो आप अपना इस सिलेंडर को ज़रूर रिफ़िल करवा लें, और भाई पूरे पैसे का जो लाभ है वो आप उठा सकती हैं। आगे भी काफ़ी सारी योजनाएं आती रहेंगी, छोटी बड़ी सभी की जानकारी आपको मैं समय से पहले ही देता रहूँगा। यूट्यूब चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा भाई अपने सभी दोस्तों के साथ, व्हाट्सअप पर, फेसबुक पर, जहाँ पर भी आपके दोस्त रहते हैं। क्योंकि भाई जितनी भी जानकारी आती है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।